जी मुझसे कहा गया कि जिस ऑफिसर को मेरा केस सौंपा गया था वो ऑफिसर इस समय यहाँ पर है नहीं। तो मैंने कहा सर इसका क्या मतलब निकाला जाए, मुझे किसी ने कोई टाइम नहीं दिया यहाँ पर आने के लिए। सवेरे से मैं कॉल करती रही, पूछती रही यहाँ के इंचार्ज से, SI से कि मैं कब आऊँ, अपना बयान कब दे सकती हूँ मैं, बताइए ज़रा। मुझे कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया। मैं कॉल करती रही, मैसेज छोड़ती रही। अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो कह रहे हैं कि नहीं, जिस ऑफिसर को आपका केस सौंपा गया वो इस समय यहाँ पर है नहीं। मैंने कहा सर मेरी गुजारिश है आपसे कि एक लेडी ऑफिसर को मेरा केस हैंडल करने को कहा जाए। मैं उनको अपना बयान देना चाहूँगी। मैं इस समय बहुत ही बेबस महसूस कर रही हूँ। मैंने कुछ देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को कॉल किया। मैंने उनसे कहा सर जुहू पुलिस मुझे सीरियस नहीं ले रही है, पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी, ऊपर से कोई दबाव आया होगा कि मेरा स्टेटमेंट ना लिया जाए। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच पड़ताल हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन स्टेटमेंट लिए बगैर जांच पड़ताल कैसे होगी, FIR कैसे दर्ज होगी। तो अब आप नेक्स्ट कदम साजिद खान का सपोर्ट करते हुए वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत दर्ज करवाई, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए समाज के कीड़ों से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी के साथ मी टू आरोपी साजिद खान गंदी घिनौनी और बहुत ही वाहियात हरकत करता, तो आप क्या करते? आप नामर्द बनते या एक मजबूत स्टैंड लेकर कहते अब बस, अब ये सब नहीं चलेगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बातों पर विश्वास किया जाए, मैं ये कह रही हूँ कि एक निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो, जांच पड़ताल हो। देखिए हम सब पुलिस प्रशासन पर भरोसा करते हैं और जिस तरह ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं मुझे, मेरे बयान को सारा देश देख रहा है। हम कहाँ जाएं, हम इंसाफ की गुहार कहाँ जाकर लगाएं? पुलिस प्रशासन ने कहा यहाँ पर कि एक काम कीजिए, आप शाम को आइएगा, 7:30-8 बजे आइएगा, तब तक हम एक लेडी ऑफिसर का प्रबंध करेंगे आपके लिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पर, लेकिन अगर आपको बयान नहीं लेना है, आप साफ साफ बोलिए कि बयान नहीं लेना है, मैं बांद्रा जाऊंगी, DCP के ऑफिस पर जाऊंगी। मैं एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। क्या मैं ये बोल रही हूँ कि अभी साजिद खान को अरेस्ट किया जाए? मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरा बयान तो लो, उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू करो, बिग बॉस के घर में जाकर उसको लेकर आओ पूछताछ के लिए। आप लोग कुछ करेंगे नहीं तो सच क्या है कैसे पता चलेगा? सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स बोल रहे हैं मैम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, पुलिस कुछ नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि आपके आरोपी और कई पीड़ित महिलाओं के आरोपी साजिद खान के सर पर किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान सर का हाथ है, और उनके होते साजिद खान का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। ये मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैंस कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मैम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपको कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, ना आपको ना किसी और को।